मदार, आक, अर्क और अकौवा का पौधा छोटा और छत्तेदार होता है। पत्ते इसके बरगद के पत्तों के समान मोटे होते हैं, हरे सफ़ेदी लिए। पत्ते पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। इसका फूल सफ़ेद छोटा छत्तादार होता है। फूल पर रंगीन चित्तियाँ भी होती हैं। फल आम के तुल्य होते हैं, जिनमें रुई होती है। आग की शाखाओं से दूध निकलता है या दूध विष का काम देता है। आग गर्मी के दिनों में रेतीली भूमि, सूखी जमीन पर उगता है। मुख्य रूप से इसकी दो किस्में होती हैं। पहला है कैलोट्रोपिस रोसेरा यानी बैंगनी फूल वाला, और दूसरा है कैलोट्रोपिस जिंगाटे सफ़ेद फूल वाला। और आज के वीडियो में ये दोनों ही पौधा आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और नॉलेज फॉर हेल्थ एंड हर्ब्स के लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए यूट्यूब साजिद हसन हेल्थ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आने पर इसे अपनों में ज़रूर शेयर करें। औषधि के रूप में सफ़ेद फूल वाले पौधे का उपयोग अधिक किया जाता है। इस पौधे के दूध में गर्भपात कारक और कॉस्मेटिक, एंटी डिसेंट्रिक, एंटी सिफिलिटिक, एंटी रूमेटिक, एंटी फंगल और डायकोरेटिक गुण होते हैं। इसके अलावा यह कुष्ठ रोग, ब्रोंकियल अस्थमा और त्वचा रोग में उपचार में उपयोगी है। इसकी जड़ की छाल के चून का उपयोग दस्त और पेचिश के इलाज में किया जाता है। इस पौधे की जड़ अपच में भी उपयोगी है। आग के पत्ते के फायदे जोड़ों के दर्द में काम आते हैं। यदि आप जोड़ों की समस्या से परेशान रहते हैं तो प्रभावित जगह पर आग की पत्तियों को बांधें। इसमें जलन सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो गठिया और संधि कोष जैसी पर्दा संबंधी बीमारियों के इलाज में उपयोग होते हैं। तुरंत राहत पाने के लिए इसकी पत्तियों को गर्म कर जोड़ों पर लगाएं। आग का पेड़ के फायदे त्वचा के लिए भी हैं। यहाँ चेहरे के दाग धब्बों का इलाज करने के लिए 3 ग्राम हल्दी को आग के पौधे के दूध के साथ मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इसमें खुजली से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों के इलाज में भी इससे सहायता मिलती है। आग के दूध के फायदे पाइल्स में हैं। यदि आप बवासीर की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको आग का उपयोग करना चाहिए। बवासीर के इलाज करने के लिए इस जड़ी बूटी का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इलाज के लिए बाहरी रूप से आग का दूध बवासीर के ऊपर यानी मसों पर लगाया जाता है। आग के औषधि गुण घाव भरने में भी हैं। इस पौधे के दूध को निकालें। अब इस दूध में हल्दी को मिक्स करें और त्वचा के प्रभावित क्षेत्र पर इस पेस्ट को लगाएं। इसके अलावा आप घावों पर बदार की पत्तियों को गर्म करके भी लगा सकते हैं। आग के पौधे दांत दर्द से छुटकारा दिलाते हैं। यदि आप दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो आप आग का उपयोग करें। दांत दर्द से राहत पाने के लिए आग के दूध को मसूड़ों पर रुई की सहायता से लगाएं और कुछ देर बाद कुल्ली कर लें। मदार के पत्ते के फायदे पांव के छाले दूर करने के लिए हैं। जी हाँ, पैर के छालों को ठीक करने के लिए छालों के ऊपर आग का दूध लगाएं। इससे तुरंत आराम मिलेगा, छाले मुरझा जाएंगे। मदार के पत्ते के गुण हैजा में लाभदायक होते हैं। हैजा के इलाज के लिए इस पौधे की जड़ की छाल को अच्छे से साफ करें। इन्हें सुखाकर इसका चूर्ण तैयार करें। अब इसमें अदरक रस और काली मिर्च का चूर्ण मिला लें। इस मिश्रण से मटर के आकार की गोलियां बनाएं और हर 2 घंटे बाद 1 गोली 1 चम्मच पुदीने के रस के साथ इस्तेमाल करें। इससे बुखार भी ठीक हो जाएगा और हैजा में लाभदायक होगा।